la storia d'Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको बता दें कि सन्नी पाजी के फिल्म गद्दर 2 ने तबाही मचा दिया है और साथ ही साथ अब तक के सबसे बड़े बवंडर गद्दर 2 ने ला दिया है, क्योंकि आज पहली बार इटली के प्रधानमंत्री ने, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी हैं, उन्होंने गद्दर 2 के लिए इटली में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, क्योंकि आज 55 दिन के बाद गद्दर 2 ने इटली में रिलीज किया गया और रिलीज होते ही इटली के प्रधानमंत्री ने गद्दर 2 को टिकट को पूरी तरह से फ्री कर दिया। इटली में टिकट फ्री करने के लिए बहुत ही बड़ा बयान दिया है और आपको बता दूं कि गदर 2 आज दुनिया के नंबर 1 फिल्म में शामिल हो चुका है, जिसके बाद देश विदेश में भी फिल्म रिलीज किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री ने 2020 के सम्मेलन में शामिल हुए थे, जहां पर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत और उन्होंने यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था कि आप सभी को पता है कि मोदी जी योगी जी ने भी मिलकर सनी देओल की इस फिल्म को बहुत जोरों शोरों से प्रमोशन भी किया था और गदर 2 आज के डेट में जवान मूवी को भी पीछे छोड़कर 1000 का आंकड़ा को पार कर दिया है। सभी लैंग्वेज को मिलाकर आंकड़ा पार कर चुका है और आपको और दोस्तों आपको बता दूं कि सभी लैंग्वेज को मिलाकर इंग्लिश, हिंदी और इटली भाषा को मिलाकर आपको बता दूं कि सन्नी पाजी की फिल्म गदर 2 को इटली के प्रधानमंत्री ने फिल्म गदर 2 को टिकट को फ्री करने का ऐलान कर दिया है। और यह बड़ी बात है कि सन्नी पाजी की फिल्म ने ऐसा फिल्म बनाया है कि देश विदेश प्रधानमंत्री भी इस फिल्म को देखकर हिल गए हैं और इटली के प्रधानमंत्री इस फिल्म को प्रशंसा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो दोस्तों आपको गदर 2 के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों आप भी गदर 2 को सपोर्ट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।